Hello friends welcome to this tutorial today i am going to tell you how you can fill your aprs online i am going to share this url in description by clicking on this url you can directly access this page in this page what you have to do is you have to use your credential your username and password इस वीडियो में जैसा आपको मैं बता रहा हूँ वैसा ही आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये सारा एक्सप्लेन किया मैंने इसमें तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो और साथ ही इस, इस मैं, इसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है जहाँ से आप इसको असेस कर सकते हो तो आप इसको कॉन्टिन्यू करें विद ओ एंड आगे इसको नेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वही ऑप्शन आप पिक करके इसको करें। आपको इसका When you यो यो इस तरह का एक पेज पेज जो है है, आपके पास आ जाता है, आपको अपने पेज के ऊपर इस तरह की विंडो जो दिखती है इसके ऊपर क्लिक कर लेना। After clicking that, you have to press okay. And इस तरह से एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपको माय पावर की वैल्यू जो है अगर जीरो दिख रही है तो ये वाली स्क्रीन जो है ब्लैंक होगी अगर यहाँ पे वैल्यू वन है तो इस स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखने वाली है जहां पे एप आर आई डी जो है उसके नीचे यू आर आपको दिखेगा इस तरह से ब्लू कलर का एक नंबर दिखेगा बाकी रेस्ट दीज आर ब्लैक ये कुछ भी नहीं है इसको हाइपर लिंक कहा जाता है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है वेन यू क्लिक ऑन दिस हाइपर लिंक जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की एक विंडो जो है आपके सामने अपियर हो जाती है जिसमें कि आप अगर देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ अप्रेजल ये दो टैब आपको दिखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन सेल्फ अप्रेजल ये दो टैब आपको दिखेंगे इन दोनों टैब्स में से आपको जो सेल्फ अप्रेजल का पार्ट है उसको फिल करना है खुद से देखिए जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है दैट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज आपको ये फिल करना है ठीक है इसमें कुछ लिखना है आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्यूटीज आपको टाइप करना पड़ेगा देन टारगेट आपके जो है वो आपको यहाँ पे इसका आंसर भी देना है इसका रिप्लाई भी देना है क्वेश्चन को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पार्ट बी जो है 2.1.1 का पार्ट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है पार्ट बी जो है इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे आपको टारगेट मैंशन करने यहाँ पे अचीवमेंट मेंशन करनी है आपको ठीक है और उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो आता है प्लीज इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज स्पेंट ऑन एक्टिविटीज टूअर आपको यहाँ पे डेज एंड नाइट में मैंशन करने हैं राइट right? आपको ये पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं जैसा यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछे गए हैं इन सबके आंसर्स देने के बाद रिप्लाई लिखने के बाद आपको क्या करना है ये जो पार्ट है इसको सबमिट करना होता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी को जो भी आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसको उस उनके पास ये चली जाती है इंफॉर्मेशन अब ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है ये आपके कस्टोडियन ने वर्क फ्लो के अंदर ऑलरेडी क्रिएट किया होता है कि कौन आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है कौन रिव्यूइंग है और आपका एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है उसकी आपको चिंता नहीं करनी आपको ये फिल करने के बाद आपको सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी कर देना है अगर आप ये जो इंफॉर्मेशन यहां भर रहे हैं इसमें अगर आपको ये लगता है कि इसमें आपको कोई बाद में एडिशन या डिलीशन करनी पड़ सकती है अभी तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट करके रख दें सेव एज ड्राफ्ट आप सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक ना करें सेव एज ड्राफ्ट कर दें ठीक है तो जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वो सेव रहेगा और आप उसमें बाद में एडिटिंग करके तो बाद में भी सबमिट कर सकते हो उस चीज को ठीक है वो चाहे आप एक घंटे के बाद करो एक दिन के बाद करो दो दिन के बाद करो जब आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए तब आप उसको सबमिट कर सकते हैं सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी जब हम क्लिक करते हैं तो आपका एंड देन इसको करेंगे वंस फॉर्म इज सबमिटेड डेटा विल नॉट बी चेंज आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट अगर मैं इसको ओके okay करता हूं इसको मैं ओके okay करता हूं तो मेरे पास एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा वो पेज जो है उसके ऊपर मुझे क्या दिखेगा नेक्स्ट पेज के ऊपर मुझे डिजिटल सिग्नेचर दिखेंगे या ई e हस्ताक्षर जो है वो दिखेगा तो मुझे ई e हस्ताक्षर जो है मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी ई e हस्ताक्षर जो है उसके ऊपर करके उसकी सबमिशन करें ठीक है ई e हस्ताक्षर अभी मैं वहां पे नहीं जा रहा उस पेज के ऊपर क्योंकि अगर मैं वहां पे जाता हूँ अगर इसकी फाइनल सबमिशन कर देता हूँ तो फिर यहाँ पे मैं इसकी एडिटिंग जो है वो नहीं कर पाऊंगा तो अभी ये लाइव इंस्टेंस है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे अभी नहीं जा रहा बट मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज कि ई हस्ताक्षर उसका आपने ध्यान रखना आपको ई हस्ताक्षर के ऊपर क्लिक करना है तो अगर आपको वर्क फ्लो अपना चेक करना है तो आप यहाँ एरो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह से आपको एक वर्क फ्लो जो है वो दिख जाएगा ठीक है कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो है वो कौन है ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉर्म सबमिट करने पे आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास चला जाता जब रिपोर्टिंग अथॉरिटी इसको सबमिट करेंगे आगे आपके फॉर्म को वो रिव्यूइंग के पास चला जाएगा फिर देन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा तो ये बात आ गई सेल्फ अप्रेजल की अभी एक चीज और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके अगर पार्ट की मैं बात करूं तो अगर बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसमें अगर आपको कोई वेरिएशन लगती है कि ये आपके पास कैसे आई बेसिक इंफॉर्मेशन वो कस्टोडियन के थ्रू आई है ठीक है कस्टोडियन ने फिल करके ये आपको सबमिट किया है अगर आपको ये जो फील्ड आपको दिख रहे हैं इसमें अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई कोई फील्ड में एरर है या कोई फील्ड गलत भरा गया है तो आप यहां से सबमिट कर सकते हैं सबमिट डेटा एरर रिपोर्ट यह पार्ट देख रहे हैं डेटा एरर रिपोर्ट यहाँ से सबमिट कर सकते हैं जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से एक आपके पास डेटा एरर रिपोर्ट का जो ये मैसेज बॉक्स है ये ओपन हो जाता है यहां तो आप लिख सकते हैं डी ओ बी डी ओ बी इज नॉट करेक्ट तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं करेक्ट डीओ क्या है अगर मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आप वो करेक्ट जो डेट है वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे या कोई आपको ऐसा लगता रहा है कि जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे गलत भरा गया है तो आप वो यहाँ से एरर रिपोर्ट के थ्रू सबमिट कर सकते हैं ये भी वैल्यू जो है वो आपके कस्टोडियन के पास चली जाती है जो यहाँ से आप सबमिट करते हैं तो वहां पे फिर वो अपने एंड पे इस चीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी अभी एक चीज और जो है वो इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यह, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माई पार की वैल्यू भी वन रहा है एस पार की वैल्यू भी यहाँ पे वन शो कर रहा है तो असेस पार जो है अगर आप डी हैं तो ये एस पार भी आपको दिखेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नॉन जीरो होगी तो एस पार में आपके पास जो इंप्लाई रिपोर्ट करने वाले हैं उन एम्प्लॉज में जिस जिसने सेल्फ अप्रेजल भर के रिपोर्ट सबमिट कर दी है वो आपके पास जो है वो एस पार के अंदर दिखने वाले हैं सपोज कर लीजिए पांच इंप्लाइज हैं जो गेस्टेड कैडर के हैं और जो पांच इंप्लाई आपके पास रिपोर्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपको पांच दिख सकती है ठीक है अभी जैसे वन दिख रही है तो इसका मतलब है कि अभी तक अः एक इंप्लाई ने आपके पास सेल्फ अप्रेजल सबमिट कर दिया है ठीक है तो आ, ये है सारा जो प्रोसेस यहाँ पे आ, जो आपको इसमें करना है तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप कि आपको जो प्रोसेस मैं समझाना चाहता था जो चीजें मैं बताना चाहता था वो आपको समझ आ गई होंगी तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज लिख सकते हो तो थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड